भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ षड्यंत्र रचकर जिस तरह से उनके खिलाफ अपराध दर्ज करवाया जा रहा है उसे लेकर पूरे प्रदेश में भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में शक्ति जिले के डभरा थाना चौक में भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभी वर्तमान में भानुप्रतापपुर में जो उपचुनाव चल रहा है उसमें भाजपा के जो प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम जी वो आज प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और उसके वहाँ कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, तो अपनी हार के डर से दुनिया भर के उनके ऊपर लांछन लगाकर उनके ऊपर फर्जी FIR करवा रहे हैं, फर्जी जाँच करवा रहे हैं, वो अपने हार को छिपाने के लिए उसी के विरोध में हम लोग आज भूपेश बघेल का यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। प्रताप चुनाव जो अभी हो रहा है उपचुनाव उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी उनके ऊपर फर्जी तरीके से FIR किया जा रहा है और उन पर लांछन लगाया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। निश्चित ही कांग्रेस जान रही है कि हम इस चुनाव को हार रहे हैं और हार के डर में इस तरह का वो लांछन लगा रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से गलत है। उसी का विरोध करने के लिए आज हम यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी मंडल डभरा कार्यकर्ता हैं भूपेश बघेल का आज पुतला दहन किए हैं और इसी तरह से इनका रवैया चलता रहा तो आगामी भी हम बहुत सारे और पुतला दहन करेंगे।